Hey guys, hello, welcome to you all on your own YouTube channel Free Visa Advisor. Here is Sarabjit Singh और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ हर रोज नई से नई अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो इशू चल रहा है कैनेडियन स्टडी वीजा से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सभी प्रकार की खबरें आप लोगों के लिए इस चैनल पर आती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों के सवाल, जिन लोगों के कॉल आते हैं, स्टूडेंट्स के भी कॉल आ रहे हैं आजकल, उन लोगों को बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दे सकूं, बेस्ट से बेस्ट उनको जो इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है और एंड तक इसको देखिए। उससे पहले सब्सक्राइब करके इस चैनल को और मेरे हौसले को बढ़ाइए और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ हमेशा नई से नई खुशखबरी और नई से नई अपडेटेड ट्रैवल से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो आज की जो खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए राहत की सांस है जिन स्टूडेंट्स को अभी तक सितंबर इनटेक के लिए वीज़ा नहीं मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उनके साथ नेगोशिएशन के लिए इंडियन हाई कमीशन आगे आया है और उन्होंने उनको बहुत अच्छे से हिदायत दी है कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ मत खेलिए। जो भी इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आपके पास जो प्रक्रिया है उसे तेज कीजिए और प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स को रिजल्ट दीजिए। तो इसी के तहत कैनेडियन गवर्नमेंट ने 5 ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट्स को, एडवाइजरी की है। तो वो 5 एडवाइजरीज़ क्या हैं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले है, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ इन्फॉर्म दैट दे आर कम्युनिकेटिंग विद इनकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, प्रोवाइडिंग दैम विद टाइमली actionable information about all issues related to the study permit application process। दोस्तों, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। कल की जो कन्वर्सेशन हुई है इंडियन हाई कमीशन की, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, जिसके उसके बाद एक्शन लिए जा रहे हैं और इस प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, द यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैव इन प्लेस कंटीजेंसी प्लान इन ऑर्डर टू सपोर्ट दो स्टूडेंट्स, इनकमिंग स्टूडेंट्स हु डू नॉट रिसीव देयर स्टडी परमिट इन टाइम टू बी प्रजेंट ऑन कैंपस वन टर्म्स बिगिनस इन सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर इनटेक के लिए अभी तक जिन लोगों को स्टडी परमिट नहीं मिले हैं और या जिन लोगों को स्टूडेंट्स को अभी तक किसी प्रकार के कोई भी प्रोसेसिंग में कोई भी किसी बदलाव नहीं आया है, तो उनके लिए कंटीजेंसी प्लान बनाने की हिदायत दी गई है यूनिवर्सिटीज़ को। इसके अलावा, सम इंस्टीट्यूशंस विल प्रोवाइड आ रिमोट ऑप्शनल टू स्टूडेंट्स अनेबल टू रीच कैनेडा एट द स्टार्ट ऑफ टर्म because they have not yet received visa, students can contact the university's institutions to find out which course have a remote option and to discuss their option in case some do not। dosto एक रिमोट ऑप्शन दिया जाने की कोशिश की जा रही है, एक रिमोट ऑप्शन दिए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत आपके कोर्स से रिलेटेड जो है चीज़ें जो डिस्कस की जाएंगी, आपको वीज़ा नहीं रिसीव हुआ तो उससे रिलेटेड आप लोगों की से हेल्प की जाएगी और उसमें कोर्सेज के अंदर रिमोट ऑप्शन को देखा भी जा रहा है कि जिन ऑप्शंस के, जिन कोर्सेज के अंदर रिमोट ऑप्शन है अडॉप्ट करने की या करवाने की कोशिश की जा रही है। फॉर स्टूडेंट विशिंग टू डेफर देयर एडमिशन, द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इज कम्युनिकेटिंग टू द स्टूडेंट्स देयर ऑप्शन इंक्लूडिंग डेफरिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन टू अ लेटर टर्म और कंसिडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऑन केस बाई केस बेसिस। यूनिवर्सिटीज़ खुद डेफर करने के लिए आमंत्रित कर रही है, जिन लोगों ने डेफर करना है वो डेफर कर सकते हैं विदाउट एनी ऑफ कंडीशन। आपके लोगों के लिए स्पेशल जो है कुछ हिदायतें बनाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। तो अफेक्टेड स्टूडेंट्स आर अनाउंस्ड टू सेंड अ रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड अर्जेंट प्रोसेसिंग थ्रू NRCC वेब फॉर्म मीन फॉर स्टडी परमिट एप्लीकेशन that have been submitted and completed but have exceeded the current processing time for students direct system
SDS प्रोग्राम के तहत, SDS जो स्कीम है उसके तहत जो है ना, अगर आप लोगों को अभी तक भी वीज़ा नहीं मिला है तो IRCC ने वेब फॉर्म का एक ऑप्शन डाला है वेबसाइट के ऊपर, आप वहां जाकर उस वेब फॉर्म को भर सकते हैं ताकि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। लगभग 230,000 स्टूडेंट्स इस समय इफेक्टेड हैं इस स्थिति से, और बहुत जल्दी से डेस्परेटली वो वेट कर रहे हैं, और 4 बिलियन की ट्यूशन फीस उनकी भरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दुखी हैं। बहुत जल्दी जो है ना, और नई अपडेट जो भी आएंगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को भविष्य की शुभकामना करते हुए आज के लिए इतना ही, आज के अपडेट को इतना ही जो है यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। सी यू।